ठीक है। तो अब पहले मैं बताता हूँ, देखो ऐसे भी चलाते कैसे हैं। अभी जैसे ये फोल्डर है ECC का, ठीक है, मैं ये कॉपी करके दूंगा। इसमें SAP UX 107 का फोल्डर है, 226 GB का ये सॉफ्टवेयर है। तो इसको हैंडल करना है आपने खुद, बहुत प्यार से चलाना है और हिलना उलना नहीं चाहिए। और जब आप क्लोज़ करोगे सेशन को तो भी उसको वैसे ही प्यार से एंड करना है। तो कभी भी नया ट्रांजैक्शन जो है ना, जब चलाना है और जब उसको बंद करना है, तो आपको केवल पॉज करना है। पॉज मतलब उसको स्टॉप करना है, आपको एंड नहीं करना सेशन। जैसे आपने एंड कर दिया था तो क्या दिक्कत है, एंड अगर करा ना सेशन तो जैसे ही आप एंड करते हो, पूरी फाइल जो है, ये जो फाइल दिख रही है ना, इतनी सारी फाइलें इसमें दिख रही हैं, ये वो सारी अपडेट होती हैं कि आपने कहाँ से एंड किया। अब सिस्टम जब रन करेगा ना VMware और उसको नहीं मिली, एक भी फाइल नहीं मिली, तो चलेगा नहीं ऐसे, ठीक है। तो अभी देखो अपडेट हो रही है ना पैरेलल, ये देखो हमने यहीं से एंड किया था, उसे परचेज ऑर्डर खोला था मैंने, मतलब पॉज किया था, क्रॉस कर दिया, पॉज करना है। ये जो दिख रहा है ना, ये पॉज, ये जो बटन दिख रहा है यहाँ पे आपको ग्रे कलर का, इसी से हमको पॉज करना है। ठीक है, तो ये है SAP की स्क्रीन जो आप देख रहे हैं, और ये PO की स्क्रीन है। पिछली बार हैंग करते हुए छोड़ा था क्या हमने, दो जगह एक सर जब आप अपलोड कर रहे थे उस टाइम पे, हाँ वीडियो अपलोड करना चाहिए, थोड़ी देर में आ जाएगा। तो स्क्रीन नेविगेशन आज करेंगे हम लोग। स्क्रीन नेविगेशन का मतलब होता है रन टाइम एरर आ गई। स्क्रीन नेविगेशन का मतलब है कि कौन सी स्क्रीन जो है उसका क्या पर्पस है। ठीक है, तो देखो ये ऑप्शन होता है बैक करने के लिए, ठीक है। जैसे ही बैक करोगे सिस्टम क्या करेगा, इससे बैक करके ट्रांजेक्शन से पीछे आ जाएगा, बैक आ जाएगा। तो क्या एक होता है F3, F3 यहाँ पे जो F3 दबाओगे उसका भी मतलब वही होगा, ठीक है। तो शॉर्टकट होते हैं हर ट्रांजेक्शन, अभी देखो बैक आ गया, ठीक है। अब आपको ये सेशन एंड करना है, इस सेशन को एंड करना है, तो ये वाला बटन दबाओगे एंड कर देंगे, ठीक है, एंड। तो आपने वो सेशन को एंड नहीं, पॉज करना, हाँ नहीं नहीं वो सेशन नहीं, ये ट्रांजेक्शन, वो एक होता है सिस्टम पॉज करना, ये ट्रांजेक्शन जो हम चला रहे थे उसको एंड करना। बैक हो गया, अब ये देखो बैक कर लिया मैंने, अब मेरे पास ज़्यादा स्क्रीन नहीं खुली हुई, एक ही स्क्रीन खुली हुई ऐसे भी, ठीक है। तो अब मैं इसको एंड नहीं करूँगा, कोई भी अब ये कोई भी ट्रांजेक्शन चलाना है, इसको कहते हैं ट्रांजेक्शन बार। ट्रांजेक्शन बार का मतलब होता है जहाँ पे आपको ट्रांजेक्शन डाल के एंटर करना है। तो किसी भी चीज़ को चलाने के लिए SAP ने बहुत सारी ट्रांजेक्शन दी है, चाहे वो मीगो करनी हो, चाहे वो PO देखना हो, चाहे आपको बिल करनी हो, कुछ चाहे प्रोडक्शन ऑर्डर बनाना हो, कुछ भी करना हो, तो यहाँ से उसकी ट्रांजेक्शन है एक, आप उसको लगाओ। जैसे ये मैंने ME23 खुला है PO देखने के, ठीक है। तो स्क्रीन ये ट्रांजेक्शन बार हो गया, जहाँ से ट्रांजेक्शन चलानी है ट्रांजेक्शन चल गई। बैक मैंने दिखा दिया था बैक कैसे करना है, अब आपको कैसे वो सेशन एंड करना है दिखा दिए। अब इसको कट करना है, देखो कैंसिल करूँगा तो ये कट हो, ठीक है, तो ये कट हो। अब आपको फिर से बाकी उसका प्रिंट प्रीव्यू देखना है। सर एक बार ये वाला दबाना, अब इसमें क्या होता है, ये वाला बीच वाला ये वाला, ये नहीं इसके साइड वाला, एंड ये के लिए ना, ये भी बैक, ये भी इस वाले स्क्रीन से बाहर ही है, ठीक है। बैक और ये एक ही मतलब, नहीं नहीं इसका मतलब क्या होता है, कई बार प्रॉब्लम आ जाती है सेशन में तो कैंसिल कर देते हैं। अच्छा ठीक है, तो ये सारे जो है ये मेनू बार है। अब जैसे देखो ये प्रिंट का ऑप्शन नहीं आ रहा है यहाँ, मैं जैसे अभी इसको करूँगा ऐसे क्लिक कर रहा हूँ, ठीक है, और चेंज मोड में जा रहा हूँ, ये पेंसिल का मतलब है चेंज कर रहा हूँ।
तो जितनी भी स्क्रीन खुलेंगी वहाँ जहाँ भी आपको ये पेंसिल टाइप का बटन दिखेगा मतलब आपको उसमें चेंज करना। अब देखो चेंज मोड में आ गया ये भी, ठीक है। अब मुझे इसका अब इसको मुझे प्रिंट लेना है, मान तो प्रिंट का ऑप्शन ये होगा, प्रिंट का। तो आप प्रिंट करोगे, ये प्रिंट जो भी प्रिंटर इसके साथ कनेक्ट होगा और जिस प्रिंटर को भेजना है ये उसका प्रीव्यू दिखेगा। अच्छा, मतलब कि सर हमें जब भी प्रिंट निकालना है तो पहले वो पेंसिल वाले पे टच करना पड़ेगा? हाँ, देखो मतलब नहीं, पेंसिल पे जरूरत नहीं है, प्रीव्यू देख के आप प्रिंट कर सकते। अच्छा अच्छा, तो अभी जैसे देखोगे तो प्रीव्यू में आपको वो प्रिंट दिख जाएगा कि कैसा प्रिंट आपको करना है, ठीक है। चौथा, अब पेज बाय पेज अगर जाना, ठीक है, पेज बाय पेज जाना हो तो ये जो आपको चार ऑप्शन दिख रहे हैं, दो पेज अगर डायरेक्ट फर्स्ट पेज पे जाना हो तो ये जो दो ऑप्शन दिख रहे हैं ना, दो एरो वाले, उस पे आप चले जाए। लास्ट पेज पे जाना हो तो दो, ये लास्ट वाले, वन बाय वन करके जाना हो तो ये सिंगल सिंगल, ठीक है, ठीक है, ये करना। उसके बाद ये जो दिख रहा है आपको, ये स्टार टाइप का ये जो, अब आपको एक और ट्रांजेक्शन खोलना है तो उसके लिए ये दबाते हैं। मतलब एक ट्रांजेक्शन ये बैकएंड में चलती है, एक और ट्रांजेक्शन चलानी है हमको कोई, या एक और स्क्रीन खोलनी है तो जैसे ही इसको करोगे एक नई स्क्रीन खोलते हैं। अच्छा। दो तरीके हैं नई स्क्रीन खोलने के, एक तो ये क्लिक करना है और एक जैसे देखो ये प्रिंट प्रीव्यू आ गया। अब देखो इसमें एक ही पेज है, अगर लास्ट पेज पे जैसे आप जाएंगे तो अभी तो इसमें ज़्यादा पेज होते तो पता चलता, इसीलिए यही पेज खुल रहा है, एक ही पेज बन रखा है इस पीओ का, ठीक है। तो प्रिंट प्रीव्यू यहाँ से दिखता है, तो ये बटन जो है ये फर्स्ट पेज आने के लिए, अगर मान लो 10 पेज हैं पहले पेज पे जाना है तो पहले पेज पे जाना है तो इससे चले, लास्ट पेज पे जाना है तो इससे, ठीक है, और वन बाय वन जाना है तो इससे चले। तो ये है आपका स्क्रीन लगी है। दूसरा, अब आपको इसकी स्क्रीनशॉट लेनी है, हार्ड कॉपी, केवल इतनी स्क्रीन लेनी है प्रिंट में। तो आप जाओगे यहाँ से हार्ड कॉपी दबाओगे, उसमें सर ये नीचे वाला इंक्लूड नहीं होएगा? नहीं, उसमें ये जो स्क्रीन एसएपी की दिख रही है पूरी एसएपी की स्क्रीन प्रिंट हो जाएगी इसको, तो नीचे वाला जाएगा। उसके बाद फिर आप यहाँ से जाओगे, अब यहाँ पे देखो बहुत सारे सेशन, ठीक है। तो नए सेशन खोलने के दो तरीके हैं, एक तो ये दबाओ, जैसे मैं क्लिक कर रहा हूँ तो एक और स्क्रीन खुल गई, देखो खुल गई। और एक तरीका यहाँ से है कि यहाँ जाओ और यहाँ से एक नई सेशन खोलो, क्रिएट सेशन, ठीक है। एंड सेशन भी करना है, एंड अगर इसको काटना चाहते तो यहाँ से भी एंड, तो जो यहाँ पे जो बार थे ना जिनका काम था मोस्ट ऑफ ऑल यहाँ से भी, यहाँ से भी, ठीक है। तो मैं एक और सेशन क्रिएट करता हूँ, तो मैं जैसे क्लिक करूँगा एक और सेशन। तो ये है स्क्रीन नेविगेशन था कि किस बटन का भी है, जैसे ये देख रहे हो ना ये डॉक्यूमेंट वाला, ये वाला ये सेव का ऑप्शन है। तो जैसे आपने कोई चेंजेस कर दिया, जैसे मैं पेंसिल बटन से दिखा रहा था ना, ये चेंज करते हैं, मैं आता हूँ प्रिंट प्रीव्यू बैक आ। ठीक है, अब ये बटन है, इसको मैंने मान लो यहाँ कोई चेंज किया, इसको मैं चेंज कर देता हूँ यहाँ पे 11 क्वांटिटी कर दूँगा। अब मुझे ये सेव करना है, चेंज हो गया ये प्राइस भी चेंज कर दिया, अब मैं सेव करूँगा तो ये जो बटन है ये सेव करना है, ठीक है। तो ये सभी स्क्रीनों में इसी तरीके की स्क्रीन आपको दिखेगी ऐसे भी करना। अब एक आपको कोई नया डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है तो ये जो डॉक्यूमेंट दिख रहा है ना, इसको क्लिक करोगे तो क्रिएट हो जाएगा। इससे इसी में चेंज किया था हमने, इससे अगर कोई नया पीओ खोलना है, अभी जैसे देखो ये नंबर खुला हुआ 214, कोई नया नंबर खोलना है इसको दबाओगे तो आप वो नया नंबर डाल के और नया नंबर दूसरा पीओ खोल सकते। उससे जो नया पेज वाला बताया आपने, तो नया पेज क्या वो इसी के इसी ट्रांजेक्शन से एक नया पीओ बनाने के लिए खुल गया, ठीक है, नया डॉक्यूमेंट। तो ऑलमोस्ट मैंने आपको ये सारी चीज़ें स्क्रीन में क्या क्या कर सकते हैं, अब देखो नया आ गया ना, अब नया कोई पीओ आपको खोलना है तो आप यहाँ एक नंबर डालो और एंटर मार दो तो आपका वो, डू यू वांट टू सेव, पिछला वाला सेव करना है, हाँ जी पिछला वाला सेव करना है, सेव करके एंटर मारेंगे तो अब नया डॉक्यूमेंट मिल जाएगा। तो इस वाला जो ऑप्शन था ना, ये पेंसिल के बगल वाला ऑप्शन, पेंसिल के बगल वाला जो ऑप्शन है उससे आप नया खोल सकते हैं।
ठीक है। तो ये था स्क्रीन नेविगेशन। इससे क्या होता है स्टॉप कर।